राजीव जी, क्या लगता है आपको कि आखिर चूक कहाँ हो रही है? लगातार घटनाएं हो रही हैं, चूक कहाँ हो रही है? क्योंकि कहीं तो कुछ तो कमी है, क्योंकि जो जन भागीदारी जो होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही है। देखिए, दो तीन बात मैं कहना चाहूंगा। चूक के का सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया और पूरी मजबूती और सख्ती से और दृढ़ इच्छा शक्ति से उसको लागू करने के लिए अपनी पूरी व्यवस्था से लगे हुए। अब आपको मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। गुजरात में 2 महीना पहले 112 लोग मारे गए जहरीली शराब से, वहां तो 15 साल से बंद है। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? अडानी पोर्ट पे 1.25 लाख अच्छा करोड़ राजीव रुपए जी, एक का चीज बताइए देखिए। राजीव जी, ये बिल्कुल आपकी जी बात, आप ये बताइए कि अगर जी दूसरे स्टेट के अंदर लोग मर रहे हैं तो आप अपने स्टेट में भी लोगों को मारेंगे क्या? आप नहीं उस नहीं तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? दूसरे स्टेट मैं अपने तरीके से उसको देखेगा। आप अपने यहां ये बिहार देखिए बिहार कि अगर आपको कोई मैं ऐसी घटना हो रही है और आपने शराबबंदी की नहीं नहीं और वो आप आपका पूरी एक पूरी बात प्रण तो था नहीं भाई, सुन आपका लीजिए, एक मेरी बात तो एक सुनिए जी सर। गुजरात की आबादी 3 करोड़ है और बिहार की आबादी 13 करोड़ है। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, गुजरात की आबादी 3 करोड़ है। तो उससे क्या हो पंद्रह गया? बीस मतलब वहां पे नहीं तीन नहीं करोड़ में सुन अगर लोग तो मरे तो लीजिए, लोग तो मरे ना, तो आप ये कहें कि सुन तो वहां भी मर लीजिए। गए, हमारे यहां भी मर गए तो क्या फर्क पड़ा? जो लोग जहर पी के आत्महत्या करना चाहते हैं, हाँ दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती उसको। दुनिया में कोई व्यवस्था नहीं बना है कि कोई जहर पी के मरना चाहे और सरकार उसको बचा ले। नहीं ऐसी राजीव जी, दुनिया में कोई लेकिन व्यवस्था ये है नहीं बिल्कुल आपकी बात है कि इसमें जन भागीदारी चाहिए, तो वही तो कह रहे हैं कि है। आखिर चूक कहां हो रही है? आपको कैसे लगता है कि ये जो शराब इस तरीके से आ जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर जो इंटेलिजेंस है वो फेलियर तो है ना? ना ना, कोई प्रशासनिक फैली और नहीं है। हाँ 13 करोड़ की आबादी में हम लोग जितनी मुस्तैदी से 150 से 200 प्रशासनिक अफसर निलंबित किए गए हैं। हजारों में जो शराब लाने वाले तस्कर हैं उसको जेल भेजा गया, उसके संपत्ति को नीलाम किया गया। बिहार सरकार ने कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन हमारे बिहार की आबादी जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे घनी आबादी वाला राज्य है नहीं तो पूरे जनता को भारत आपको में। जोड़ना पड़ेगा ना, वहां तो कहीं ना कहीं कुछ आंदोलन तो खड़े करने पड़ेंगे ना। आप देखें, मानव श्रृंखला बनाया था शराबबंदी से भारत बिहार सरकार ने, भाजपा के लोग भी शामिल हुए थे, आरजेडी के लोग शामिल हुए, सभी पार्टी के लोग शामिल हुए, हर पूरे जनता की भागीदारी थी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी में कहीं थोड़ी बहुत चूक हो जाएगी तो उसको सरकार का फेल्योर बताना ये कहीं से जायज नहीं है। बिहार सरकार का फेल्योर नहीं है। 1.5 लाख करोड़ का अडानी पोर्ट पर ये चरस अफीम पकड़ा जा रहा है तो क्या नरेंद्र मोदी जी का फेल्यूर नहीं है? ये मानेंगे ये लोग? क्या नहीं मानेंगे ये राजीव जी, लोग? बात ये हो रही है कि अगर कहीं पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि ये नीतीश जी का एक सपना नहीं, था कि कोई भी बिहार घटना को होना शराब दुखद मुक्त है, करना है। देखिए आप सुनिए, पहले फिर जवाब दीजिए। राजीव जी, अगर जी प्रशासनिक स्तर पर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि भाई चलिए, अगर लोगों के अंदर, चलिए आप लोगों को इतना तो कहेंगे ना कि भाई किसी भी तरीके से उनको जोड़ना तो पड़ेगा ना आपको कि मुख्य धारा से, कि भाई शराब जो है वो बिल्कुल गलत है और आप, क्योंकि जन भागीदारी जो होनी चाहिए शायद वहां पर चूक हो रही हो। आप कह रहे हैं इसमें नहीं कोई नहीं चूक नहीं ही नहीं है, लोगों को पीनी है तो पिए, मरना है निश्चित तो रूप से मरे, आप वहां मर गए तो यहां भी मर जाए, ये कोई नहीं बात नहीं है। निश्चित